हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां कोरोना महामारी में मचे हाहाकार के बीच बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को बेगूसराय सदर अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन वे सिर्फ ऑक्सीजन की उपलब्धता पर वाहवाही कर अस्पताल से निकल गए। अस्पताल में आस लगाए भर्ती मरीजों के परिजनों को उस समय निराशा हाथ लगी जब दवाई की किल्लत झेल रहे अस्पताल को केवल जिलाधिकारी के अथक प्रयासों से उपलब्ध ऑक्सीजन पर चर्चा कर मंत्री परिसर से निकल गए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुए डायलिसिस सेंटर का सांसद ने निरीक्षण किया। सांसद गिरिराज सिंह ने जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जिलेवासियों को जीवनदान देने के लिए उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्था और कर्तव्य निष्ठा के लिए सीएस डॉक्टर विनय कुमार झा और डीएस डॉक्टर आनंद शर्मा को धन्यवाद दिया। नियति की क्रूरता और महामारी की भयावहता देखिए कि नई नवेली सुहागन की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि उसका सुहाग उजड़ गया। इससे दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया है। दुल्हन को अब इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा जिसने 7 जन्मों तक रहने का वादा किया और फेरे लिए उसका 7 दिन भी साथ न मिला। चांदपुर से सटे गांव सियाऊ निवासी गीता देवी पत्नी स्वर्गीय छोटे सिंह की पुत्री बबली का विवाह 29 अप्रैल को बिजनौर के मोहल्ला जाटा निवासी रेखा देवी और अशोक कुमार के पुत्र अर्जुन के साथ हुआ। कोरोना नियमों के तहत बहुत कम लोग शादी में आए थे। विधिवत विवाह संपन्न हुआ और परिजनों ने शुभाशीष के साथ बबली को विदा किया, लेकिन क्या पता था कि शादी के 3 दिन बाद ही उन्हें इतनी मनहूस खबर सुनने को मिलेगी। जब गुरुवार सुबह बबली घर पहुंची तो घर में कोहराम मचा और मोहल्ले में शोक छा गया। हर किसी के मुंह पर बस एक ही शब्द था कि अभी तो उसके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी और पति को भगवान ने छीन लिया। बताते हैं कि अर्जुन को बुखार आया और उसी के चलते उसकी मौत हो गई। मेरा नाम कुलजीत है और मैं वार्ड संख्या 1 मोहल्ला जाटान से सभासद पुत्र। हमारे वार्ड से अर्जुन नाम का लड़का जो कोरोना वायरस से अभी डेथ हुई है 28 तारीख में, 25 तारीख में बारात गई थी, 26 में उसकी तबीयत खराब हुई और इसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, जहाँ पर सभी लोगों को पता चला कि ये कोरोना से पीड़ित है। जांच में पता चला कि कोरोना है और 28 तारीख की शाम को उसकी डेथ हो गई, जहाँ पर उसे बारात गया कर। रायबरेली से है, जहां संताव ब्लॉक के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में 17 मौतें होने के बाद आज शुक्रवार को पुलिस टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। बीमार लोगों की जांच और परीक्षण जारी है। यहां 2 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं तो वहीं अभी सैनिटाइजेशन का काम शुरू नहीं हुआ। बीमारों की संख्या बहुत ज्यादा है, गाँव में दहशत का माहौल है और गलियों में सन्नाटा छाया है। वहीं लोग डरे और सहमे हुए हैं, उन्हें डर सताने लगा है कि अब किसकी बारी होगी, क्योंकि एक ही गांव में 17 मौत हो जाना कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाही बता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए का बजट साफ सफाई के लिए दे रखी है, लेकिन अधिकारी उस बजट के पैसों को डकारने में लगा है। रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और स्वास्थ्य महकमे में फुर्ती नहीं दिखाई जा रही, इससे भयानक दृश्य देखने को मिल सकता है। कहाँ पर हैं आज? आज यहाँ पर सुल्तानपुर खेड़ा गांव है जी, यहाँ पर सैंपलिंग हुई है, टीम भेजी गई थी और यहाँ पर 93 RT-PCR हुए हैं और 24 एंटीजन हुए हैं, जिसमें 2 पॉजिटिव निकले हैं और 22 लोग निगेटिव निकले हैं। तो अभी कल क्या और जांच होगी? अगर भेजा जाएगा तुरंत आज कल होगी। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां लगातार कोरोना का प्रकोप जारी है। इसी कड़ी में आज एक शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, जहां दूल्हे और दुल्हन जयमाला डालते समय एक दूसरे को जयमाला लाठी से पहनाते नजर आए। इस अनोखी शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दूल्हे और दुल्हन एक दूसरे को लाठी के सहारे जयमाला पहना रहे हैं। पूरा मामला बेगूसराय के तेघड़ा मारवाड़ी मोहल्ले का है, जहां मारवाड़ी समाज के गिरधारी लाल सुल्तानिया के सुपुत्र रितेश कुमार का शुभ विवाह शांति भवन धर्मशाला में कोरोना गाइडलाइन के तहत हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ। वर वधु और बारात में उपस्थित सभी लोग मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी समारोह में उपस्थित रहे।
खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां सपना छात्रा के हत्याकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस निर्मम हत्या जैसी घटना ने आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैला दी थी। 16 अप्रैल को शादी की मटकोर रस्म में 17 वर्षीय पुत्री छात्रा सपना कुमारी लापता हो गई थी, जिसकी लाश 18 अप्रैल को जिले के गढ़हारा ओपी क्षेत्र के रेलवे लाइन स्थित झाड़ी से निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने बरामद की थी। इस निर्मम हत्या जैसी घटना ने आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैला दी थी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने खौफनाक मंसूबों का परिचय देते हुए क्रूरतापूर्वक छात्रा के सिर को पत्थर से कुचल दिया था और चेहरे पर एसिड डालकर उसकी हत्या कर दी थी। छात्रा की हत्या के बाद अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच शुरू करने के साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस प्रशासन के लिए नासूर बने बदमाशों को आखिरकार पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं अब जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां पूरा देश में एक और वैश्विक महामारी जैसे कोरोना वायरस की चपेट में आने से देशवासियों में हाहाकार मचा है, तो वहीं बिहार के बेगूसराय में फर्जी चिकित्सक की आड़ में लोगों से लाखों रुपए ऐंठने के बाद भी लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के मामले सामने आ रहे हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस के कर्पूरी चौक के निकट स्थित NH 31 किनारे अवैध निजी क्लिनिक की बताई जा रही है। मृतक की पहचान शिक्षा विभाग पटना में कार्यरत प्रकाशन अधिकारी कैलाश नाथ सिंह के रूप में बताई गई। मृतक का पुत्र सुमित सिंह ने बताया कि उसके पिता की तबीयत बिगड़ी, ऐसे में बेगूसराय में इलाज के लिए बुलाया। सुमित ने बताया कि 28 अप्रैल को निजी अस्पताल में भर्ती किया और 30 अप्रैल की रात 12:30 बजे उसके पिता की मौत हो गई। तो वहीं डेथ सर्टिफिकेट मांगने पर डॉक्टर ने लाश को बाहर फेंकने की धमकी दी और कहा लाश यहां से ले जाओ। बेगूसराय सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार झा ने बताया कि घटना संज्ञान में आया है और जांच की जा रही है। वहीं डॉक्टर के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और क्लिनिक में कार्यरत एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। खबर रायबरेली से है, जहां अपने विकास कार्यों और नेक कार्यों से लोगों के दिलों में जगह बना चुके विधायक राकेश सिंह का अद्भुत प्रयास सामने आया, जो किसी जन प्रतिनिधि ने नहीं सोचा होगा वो उन्होंने कर दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से ही जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो जाता था, तब तक अपने विधानसभा के हर जरूरतमंद को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराते थे। सिलेंडर की कीमत वे खुद वहन करते थे। इसके उपरांत अब विधायक विधानसभा हरचंदपुर की देवतुल्य जनता को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जनरेटर और पावर पंप से युक्त प्रत्येक ब्लॉक के लिए 3-3 सैनिटाइजर टैंक रवाना कर रहे हैं। प्रत्येक गांव का पूर्ण रूप से सैनिटाइजर कराने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला है। विधायक का कहना है कि कब तक सरकारी मशीनरी के सहारे वे बैठे रहेंगे, कब तक वे इंतजार करेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर में दो पक्षों में किसी बात को लेकर पथराव हो गया। तमंचे से हुई हवाई फायरिंग में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव कराल में दो पक्ष आपस में भिड़े, तो वहीं जमकर पथराव हुआ। साथ ही तमंचे से हुई हवाई फायरिंग में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना चांदपुर क्षेत्र में दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। थाना चांदपुर के कराल गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों में कल मारपीट हुआ था। एक व्यक्ति ने उसमें फायर भी कर दिया था तमंचे से। दोनों तरफ से मुकदमा 147, 148, 149, 307, 324, 336, 504, 506 आदि सुसंगत धाराओं में पंजीकृत है। दोनों तरफ से कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है। जिसने तमंचे से फायर किया गया था मुख्य अभियुक्त, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। मौके पर शांति है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबर कासगंज से है, जहां क्षेत्रीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। जिले भर में 11,568 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज होगा। तहसील पटियाले के गंजुंडवारा ब्लॉक में PG कॉलेज में काउंटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मेन गेट के बाहर कोविड हेल्प डेस्क स्टॉल लगाई गई है, जहां प्रत्याशियों और एजेंटों के लिए थर्मोकॉल स्कैन कर व सैनिटाइजिंग कर ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें काफी देर बाद ये जगह देखने को मिली कि उप जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने काउंटिंग स्थल का जायजा लिया, तो वहीं पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। मतगणना परिसर में सभी प्रत्याशियों और एजेंटों ने मास्क का उपयोग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए वे कतार में खड़े रहे और अपनी गिनती की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
देखा गया कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गिनती से पहले कई प्रत्याशियों में हंसी की मुस्कान तो कईयों के चेहरे पर उदासी छाई रही। इस मतगणना में जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य की गिनती शुरू हुई। प्रथम में मतगणना चालू हुई तो कई न्याय पंचायतों की गणना एक साथ शुरू हुई। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी कुशीनगर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने मतगणना स्थल का जायजा लिया और समस्त प्रत्याशी और कर्मचारियों को आदेश दिया कि कोई बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाएगी, अन्यथा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत